किया बड़ा ऐलान, देश के 3 दिग्गजों को मिलेगा भारत रत्न का सम्मान। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट करके दी जानकारी, सर्वोच्च नागरिक के सम्मान के लिए 3 महारथियों का सामने आया नाम। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके एक बड़ी जानकारी लोगों से साझा की है। पीएम मोदी ने देश के 3 महारथियों को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया। सर्वोच्च नागरिक का सम्मान पाने वाले वो 3 दिग्गजों का नाम पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन है। पीएम मोदी ने ये जानकारी साझा करते हुए ये फैसला लेते हुए सोशल मीडिया पर जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने लिखा कि हमारी सरकार का सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान देश के लिए उनके अतुल्य योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आगे पीएम मोदी ने लिखा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, देश के गृह मंत्री और यहाँ तक कि विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण की गति प्रदान की। वे आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। इतना ही नहीं, पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न सम्मान दिया जाना है। आर्थिक उदारीकरण के प्रणेता रहे और राम मंदिर निर्माण के परोकार नरसिम्हा राव को ये सम्मान देकर भाजपा सरकार ने आम चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश को भी एक संदेश दिया है। नरसिम्हा राव को सम्मान देने की जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने लिखा, एक स्कॉलर और राजनेता के तौर पर नरसिम्हा राव जी ने देश की सेवा की। उन्हें आंध्र प्रदेश के सीएम और केंद्रीय मंत्री के तौर पर किए कामों के लिए जाना जाना चाहिए। उनके नेतृत्व में देश ने आर्थिक प्रगति की नींव रखी थी। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में नरसिम्हा राव की ओर से उठाए गए आर्थिक सुधारों के कदमों को याद किया और कहा कि उन्हें नए भारत की समृद्धि की नींव रखी थी। यही नहीं, हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले एमएस स्वामीनाथन भी सम्मान से नवाजे जाएंगे। किसानों की तमाम मांगों और पिछले दिनों कुछ हुए आंदोलनों को देखते हुए ये बड़ा प्रतीकात्मक कदम बताया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के तुरंत बाद ही आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने पीएम मोदी के इस पोस्ट पर उन्हें धन्यवाद कहते हुए लिखा है कि आपने दिल जीत लिया। इतना ही नहीं, चौधरी चरण सिंह को मिले सम्मान की केसी त्यागी ने भी तारीफ की और कहा है कि चौधरी चरण सिंह ने ही नेहरू जी के सामूहिक खेती के सिद्धांत को ध्वस्त किया था और उन्होंने किसानों की आवाज को मजबूत की थी।